नमस्कार दोस्तों, मैं आर एस एलिवेटर से आदित्य प्रजापति। मेरा यूट्यूब चैनल आर एस एलिवेटर एंड टेक्निकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज अपन एलिकॉन के पैनल में आए हुए हैं। ये पैनल में ट्रांसफार्मर खराब हो गया था। ये ट्रांसफार्मर जो लगा हुआ है, इसमें ट्रांसफार्मर में अपनी इनपुट सप्लाई तो मैंने दे रखी है, पर सप्लाई आउटपुट सप्लाई नहीं निकाल रहा। तो इसके लिए मैंने ये नए ट्रांसफार्मर में यहाँ लाया हूँ और नए ट्रांसफार्मर में चेंज करूंगा और इसके सप्लाई भी मैं चेक करवाऊंगा कि किस हिसाब से ये है। ये ट्रांसफार्मर बर्न है, ये जला हुआ ट्रांसफार्मर है और इसकी जगह ये अपना नया वाला जो ट्रांसफार्मर है 300 वोल्ट एम्पियर का, और ये 300 वोल्ट एम्पियर का ये लगा हुआ है। तो इसकी जगह ये चेंज करेंगे और इस पैनल को ऑन करके और सिस्टम को चला के मैं दिखाऊंगा आपको। तो कुछ टाइम बाद में मैं इसको ट्रांसफार्मर की वायरिंग कर लेता हूँ, इसके जो वायरिंग है उसको निकाल लेता हूँ दोस्तों। तो ये अपनी 415 वोल्ट पे लगा हुआ है। इस पर सप्लाई पे जो वोल्टेज आते हैं पहले चेक करते हैं, उसके हिसाब से अपन इसके टर्मिनल पे सप्लाई लगाते हैं दोस्तों। तो ये अपने इनपुट टर्मिनल हुए और इसके बाद ये आउटपुट टर्मिनल हुए। नीचे इस पर लिखा हुआ है 0 और उसके बाद 110 और 120। तो ये अपने आउटपुट टर्मिनल हुए दोस्तों। ब्रेक के लिए जाता है और अपने मदर कार्ड के लिए, इनके लिए जो भी सिस्टम है अपने ट्रांसफार्मर के लिए, इनके लिए यहीं से सप्लाई जाती है दोस्तों। तो इसको मैं निकाल लेता हूँ। ये अपना पुराना वाला ट्रांसफार्मर है, जिसकी जगह में ये नया वाला ट्रांसफार्मर डालूंगा दोस्तों। ये नया वाला ट्रांसफार्मर मैं यहाँ लगा देता हूँ। ये नया वाला ट्रांसफार्मर मैंने लगा दिया है। मैं इसको प्रेस थोड़े बहुत टाइट कर लेता हूँ अभी नॉर्मली तरीके से, कि ये निकल के नहीं आए। ये मैंने इसमें वो लगा दिया है बेस। तो इसके पहले अपन इसको 0 को 0 में डाल देंगे। तो ये 0 वोल्ट में मैंने इनपुट डाल दिया है। ये 440 वोल्ट आ रहा है। एक तो 0 वोल्ट में डालना है अपन को, एक अपन डालेंगे 420 में और सप्लाई में चेक करवा दूंगा। उसके हिसाब से अगर इसमें 420 से ज़्यादा वोल्टेज आएंगे, 400 आएंगे तो 400 पर रखना पड़ेगा। 380 आ रहा है तो 380 पे रखो, और 420 पे आ रहा है तो 420 पे, और 440 पे आ रहा है तो 440 पे। तो अभी मैंने 420 पे रखा है दोस्तों। ये इनपुट सप्लाई है, इसके बाद ये मेरी आउटपुट सप्लाई है। तो इसको मैं आउटपुट सप्लाई 0 को 0 में डाल देता हूँ। ये 0 को 0 में मैंने डाला है। 110 वोल्ट को 110 में, यहाँ 110 लिखा हुआ है तो मैं 110 वोल्ट में ही यहाँ डालूंगा इसको। तो इसको 110 वोल्ट में मैं लगा लेता हूँ। ये 110 को 110 में और 120 को 120 में। ये केम क्या हुआ अपना वायर, इसको 120 में मैंने लगा दिया है दोस्तों। इसके बाद मैं सिस्टम को ऑन करता हूँ। यहाँ से ये मेरा सिस्टम ऑन हुआ है, रिले की आवाज़ आ रही है इसकी। या तो इसमें एक बार मैं इसके जो वोल्टेज इनपुट आउटपुट वोल्टेज है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें कितने वोल्टेज आ रहे हैं। पहले इनपुट वोल्टेज में चेक करता हूँ कि एसी में 408.9 आ रहे हैं दोस्तों। तो इसको मैं 400 वोल्ट पर रखूँगा सबसे पहले, और मैं आउटपुट देख लेता हूँ कि ये 110 की जगह 101 ही आ रहा है। तो इसके प्रॉपर वोल्टेज में करता हूँ सबसे पहले, क्योंकि अपनी 400 वोल्ट की सप्लाई में अपना 406.7 ही आ रहा है। तो मैंने 420 पे लगाया, ये ज़्यादा पे है तो इसको मैं लगाऊंगा 400 पे। इसके इनपुट में मैंने 400 पे मैंने लगाया है। अब इसके बाद मैं सप्लाई ऑन करूंगा, रिले से आवाज़ कम होगी क्योंकि वोल्टेज इसके बढ़ गए हैं दोस्तों। तो ऐसे ही मैं आउटपुट में लगाऊंगा दोस्तों। तो आउटपुट में अपने 106 वोल्ट हो गए 110 की जगह, और इसमें अपने 120 में 116 वोल्टेज आ रहे हैं। इसके बाद मैं लिफ्ट में अपना 1 दिखा रहा है, उसको कॉल देके देखता हूँ, कॉल देता हूँ इसका क्या सीन है, कॉल पे लिफ्ट चलती है या नहीं चलती उसका दोस्तों। इसको मैं कॉल देता हूँ, तो देखता हूँ कॉल देके क्या सीन है इसका।
हमने पोल लगाई है और लिफ्ट रन कर रही है उधर, ये मोटर अपनी रन करने लगी है। तो ट्रांसफार्मर चेंज करने के बाद लिफ्ट प्रॉपर तरीके से अपनी रन कर रही है दोस्तों, लिफ्ट चल रही है। तो ऐसे ही मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों, और बेल आइकन प्रेस करें, जैसे ही नए नए वीडियो आपको नोटिफिकेशन द्वारा मिलेंगे। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, ऑल ऑफ यू थैंक्स।